अमीशा भी है हमारे साथ। अमीशा, आपका क्या व्यू है मार्केट में इस वक्त, क्या लग रहा है? क्या आप भी इस वक्त अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रही हैं कि सही मौका है बाजार में उतरने का, लंबी अवधि के लिए स्पेशली? हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो कैश पे अगर बैठे हैं या तो जिसके पास लिक्विडिटी है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट 30-35% ये लेवल पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि बिकॉज ऑफ दोनों रीजन जो एक साथ थोड़े बाजार के लिए नेगेटिव है, या तो फेड रेट हाइक या तो यूएस डॉलर स्ट्रेंथ एंड जो अपना यहां पर अर्निंग्स डाउनग्रेड चलता रहेगा, तो और थोड़ा मार्केट में कहीं करेक्शन आ जाए तो बैलेंस इन्वेस्ट करने का मौका रहेगा। बट ये लेवल पर भी उनको 30-35% डेफिनेटली चालू कर देना चाहिए। ओके, तो बिग चंक निवेश करने का वक्त आज में रखते हुए, अमीशा मैम, आपकी भी एक पसंद है ऐसी सरकारी कंपनी, क्या आपको लगता है यहां पर आईओसी के लिए आगे वर्क करेगा? डिविडेंड तो बेहतर है ही। हाँ, मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया है कि जहां पर जैसे एफडी रेट भी काफी कम हो चुके हैं और शायद और भी हो जाएंगे, तो डिविडेंड यील्ड इज अ गुड कंपैरिजन। तो 2.5-3.5% के बीच का डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स लार्ज कैप में मैंने देखा है, बट मुझे जहां पर ग्रोथ एंड सस्टेन ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है उसको मैंने सिलेक्ट किया। तो मुझे लगता है आईओसी में दोनों बिजनेसेस, वेदर इट इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ऑफ गैस और पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्ट्स और उनका रिफाइनरी, दोनों में मुझे उनका फ्यूचर अच्छा लग रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा लग रहा है एंड डिविडेंड यील्ड का बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए वी आर लाइकिंग दिस स्टॉक अ लॉट। अमीशा, आपसे बातचीत शुरू करूंगी, आपको इन्फोसिस भी पसंद आ रहा है इस वक्त, डिविडेंड करीब 2-2.5% का वो देते आए हैं, लेकिन सवाल मेरा इस वक्त ये है कि जिस तरह से यूएस में डेवलपमेंट चल रहा है, जहां पर एक नेशनलिस्टिक सरकार इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है, और इंडिया का चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर कोई और आईटी कंपनी, सबसे बड़ा एक्सपोजर नॉर्थ अमेरिका से ही होता है, बीएफएसआई सेगमेंट पर से होता है। अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि सारा बिजनेस वो कोशिश करेंगे कि देश में ही हो, अमेरिका में ही हो, और जो ऑफशोर कारोबार है उस पर वो काफी ज्यादा क्रैकडाउन करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है भारतीय आईटी कंपनीज के लिए आगे तस्वीर उतनी साफ है? क्या वो उतनी ही बेहतर ग्रोथ दिखा पाएंगे? ऑन द बैक ऑफ द फैक्ट कि नैसकॉम ने इस बार अपना जो टारगेट है वो घटा दिया है। मुझे समझाने दीजिए कि क्यों हमें, आपने जो सभी समझाया उसके उपरांत भी इंफोसिस बहुत अच्छा लगता है। पहली बात, ये सभी डर को लेते हुए, चिंता को लेते हुए स्टॉक अच्छा करेक्ट कर चुका है, और जैसे आपने बताया कि लॉट ऑफ दी स्टॉक्स, पर्टिकुलरली जैसे कि सब इंडियन आईटी स्टॉक्स है, वो बैंकिंग पर ज्यादा डिपेंडेंट है। यूएस में दो फैक्ट है कि जो आईटी रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2% से भी कम है, तो आउटसोर्सिंग करना ना भी चाहे तो उनके पास इतने स्किल्ड लेबर आईटी में नहीं है। नंबर दो, जो ट्रंप की पॉलिसीज जैसे जो समझ में आ रही है या तो जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो बैंकिंग पर लगाए हुए थे 2008 की क्राइसिस के बाद, उनको वो कम करने हैं, बैंकों को अनलिश करना है उनका पोटेंशियल, दैट इज वन ऑफ हिज की एजेंडा। इफ दैट हैपेंस, देन जो बिगेस्ट कंज्यूमर सेगमेंट है अब इंडियन आईटी का, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और उनका बजट्स ऑन आईटी बढ़ सकता है। सेकेंडली, एज व्हाट यू सेड, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट, तो वहां पर आफ्टर द ऑयल स्लंप अ लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स वर ऑल्सो नॉट शेपिंग अप वेल, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हेल्थ केयर। बट ट्रंप का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस में वापस एक्टिवेट करना, अगर वो भी होता है तो इंडियन आईटी के लिए बिजनेस सेगमेंट्स और बढ़ जाएंगे। तो हमें लगता है कि 3-3.5% की डिविडेंड यील्ड प्राइस, जहां पर ऑल वरीज आर फैक्टर्ड इन, यूएस डॉलर विच इफ स्ट्रेंथन हो जाएगा तो भी इनडायरेक्टली इज अ गुड आइडिया फॉर देम, एंड मोस्ट ऑफ द कंज्यूमिंग सेक्टर विच जिसमें पेन था लास्ट ईयर, जहां पर पेन कम होने के चांसेस है,
और जिसमें इंफोसिस डिजिटल स्पेस में या तो अपने आप को रीशेप करने में कंपटीशन से थोड़ा आगे दिख रहा है, हमें लगता है इंफोसिस इज अ वेरी गुड बैक टू बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो इंफोसिस बेटर प्लेस दिख रहा है आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको मीट करने के लिए। अमीशा, आपका जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मेरे फेवरेट सेक्टर से है, ऑटो सेक्टर से। क्या पसंद है आपको हीरो मोटो में? आई थिंक एक तो कि आपने क्राइटेरिया रखा है डिविडेंड यील्ड, बट बियॉन्ड दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी एक दो क्वार्टर का मेजर पेन है उसके बियॉन्ड इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल इतना सूट करता है, जो नया इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वेयर यू नो देयर रीच इज अक्रॉस रूरल इंडिया, और जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर और मोर पीपल कमिंग इन टू द नेट ऑफ शोइंग इनकम थ्रू बैंक, जो एलिजिबल हो जाएंगे ज्यादा लोन के लिए, तो मुझे लगता है कि इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में पेन है और प्राइस में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि एट एवरी डिक्लाइन वन शुड कीप बाइंग हीरो मोटर्स। राइट, इसी के साथ ये शो खत्म करने का वक्त हो गया है। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद अमीशा।